और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, राजस्थान में मुख्यमंत्री कौन होगा ये अब तक भी तय नहीं हो पाया है, लेकिन मुलाकात और मीटिंग के दौर के बीच जो बड़ी खबर आ रही है वो ये है कि अशोक गहलोत जयपुर के लिए रवाना हो गए हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं, अशोक गहलोत जयपुर के लिए रवाना हो गए हैं। राजस्थान के 99 विधायकों में से 40 ने सीएम पद पर फैसला आला कमान पर छोड़ा है, यानी ये 40 विधायक ना तो गहलोत खेमे के हैं और ना ही पायलट के, जबकि बाकी 59 विधायकों में से लगभग 25 विधायक सचिन पायलट और 30 विधायक अशोक गहलोत के समर्थन में हैं। आपको बता दें, आज दोनों नेता सचिन पायलट और अशोक गहलोत दिल्ली पहुंचे थे राहुल गांधी से उनके आवास पर मुलाकात करने के लिए। अलग अलग मुलाकात की दोनों नेताओं ने। पहले सचिन पायलट ने राहुल गांधी से मुलाकात की और जानकारी ये भी थी कि प्रियंका वाड्रा भी उनके साथ मौजूद थी, और उसके बाद जब सचिन पायलट वहां से निकले उसके तुरंत बाद अशोक गहलोत के साथ राहुल गांधी ने मीटिंग की, मुलाकात की, और जब खत्म हुई मीटिंग तो ये कयास लगाए जा रहे थे कि शाम तक हो सकता है कि दोनों नेता रुके दिल्ली में, लेकिन अभी जो जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक अशोक गहलोत जयपुर के लिए रवाना हो चुके हैं। विशाल पांडे मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, क्या अपडेट है? देखिए फयूदी, अशोक गहलोत राहुल गांधी से मिलने के बाद सीधे जयपुर के लिए रवाना हुए हैं और बताया जा रहा है कि लगभग 3 बजे तक अशोक गहलोत जयपुर पहुंच सकते हैं, और एहतियातन यहां पर अशोक गहलोत के घर के बाहर की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। हालांकि सचिन पायलट भी अब से थोड़ी देर में दिल्ली से निकलने वाले हैं जयपुर के लिए, और 3 से 4 बजे के आसपास स्थिति क्लियर हो जाएगी कि राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होगा। अभी फिलहाल अगर हम 99 विधायकों की बात करें फयूदी, तो 99 विधायकों में से 40 विधायकों ने मुख्यमंत्री का फैसला आलाकमान पर छोड़ा था। लगभग 25 विधायक सचिन पायलट के समर्थन में थे और 30 की संख्या में विधायक अशोक गहलोत के समर्थन में थे। तो अब देखना यही होगा कि आखिरकार क्या फैसला लिया राहुल गांधी ने, क्योंकि आलाकमान को ही पूरा लेना था। फयूदी, विशाल ये भी जानकारी आप दें, क्योंकि अभी ये भी स्पष्ट नहीं हो पाया था, ये भी कहा जा रहा था कि हो सकता है कि जयपुर में मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो या दिल्ली में हो, ये कुछ साफ हो पाया है? कि अभी फयूदी इस बात की बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं हो पाई है कि दिल्ली से ऐलान करेंगे या जयपुर से ऐलान करेंगे फिलहाल, क्योंकि यहाँ पर जो समर्थक हैं अशोक गहलोत और सचिन पायलट की कल की तरह फिर कहीं आमने सामने ना आ जाए, तो इसलिए हो सकता है कि शायद दिल्ली से भी ऐलान कर सकते हैं, नहीं तो पर्यवेक्षक जयपुर आएंगे और जयपुर से लगभग शाम 4 बजे के आसपास मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान करेगी कांग्रेस। फयूदी, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, आगे भी आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे, लेकिन फिलहाल जो जानकारी मिल पाई है उसके मुताबिक अशोक गहलोत रवाना हो गए हैं जयपुर के लिए और थोड़ी ही देर बाद सचिन पायलट भी निकल जाएंगे। आज दोनों ही नेता पहुंचे थे दिल्ली, राहुल गांधी से मुलाकात हुई, लेकिन अभी तक कौन होगा राजस्थान का मुख्यमंत्री इस पर सस्पेंस बरकरार है। यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि हाई कमान, आला कमान ने किसके नाम पर सहमति दी है, तो लगभग शाम तक ये साफ हो जाएगा कि आखिर कौन होने वाला है राजस्थान का मुख्यमंत्री।